सदा जवान रहने का फॉर्मूला बीमारी, मोटापा, कमर या जोड़ का दर्द 80 साल तक भूल जाओ। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ऐसे कई फूड्स हैं जिन्हें अगर पूरी रात पानी में भिगो कर रखा जाए तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है और हमारे शरीर को दोगुना फायदा पहुंचाते हैं। हमारे बड़े बूढ़े अक्सर कहते आ रहे हैं कि अगर किसी चीज को रात भर भिगो कर रखा जाए, इसका सेवन सुबह अगले दिन किया जाए तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। हम सभी जानते हैं कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाने में मदद करती है और हमें कई बीमारियों से दूर भी रखती है। दरअसल होता यह है कि किसी भी चीज को हम रात भर भिगो कर रखते हैं, उसके पोषक तत्वों की ताकत दोगुनी हो जाती है, साथ ही इसे आसानी से पचाया भी जा सकता है। जिन चीजों को आसानी से पचाया जा सकता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो हम आपको ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको भिगो कर ही रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, सबसे पहली चीज है वो जो है उसका नाम है अलसी। अलसी यानी कि फाक सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहद अच्छा और सस्ता स्रोत है। अलसी को फैटी एसिड का एकमात्र शाकाहारी स्रोत माना जाता है। नियमित रूप से यानी रोजाना अलसी को भिगोकर खाने से शरीर का फैट कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और हमारा दिल व शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। यह मोटापे को कम करता है, चेहरे को ग्लोइंग करता है, चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां पड़ गई हों, चेहरा हमेशा टायर्ड दिखता हो तो ये उसे भी दूर करता है। आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हो तो अलसी को रात में भिगोकर सुबह खाएं। 2 चम्मच अलसी के पाउडर को रात में भिगो दीजिए और सुबह उठते ही उसे गर्म कर लीजिए और गर्म करके उसे पी लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दूसरी चीज जो है वो उसका नाम है खसखस। खसखस में मौजूद विटामिन बी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और इसे वजन को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है। अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ चुका है, पेट बाहर निकल चुका है, तो खसखस को पानी में भिगो कर खाइए। रात को 1 से 1.5 चम्मच खसखस को थोड़े से पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह नाश्ता करने के 1/2 घंटे पहले हल्के गर्म पानी के साथ इसे खसखस को खा लीजिए। ये आपका वजन तो कम करेगा ही, साथ ही साथ अगर आपको कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की समस्या हो, बदन में दर्द रहता हो, उसके लिए भी खसखस बहुत ही फायदेमंद चीज है। आप इसका सेवन कीजिए, इसके फायदे उठाइए। तीसरी चीज है किशमिश। किशमिश मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन का भंडार कहा जाता है। बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि किशमिश के रोजाना सेवन करने से, भिगो कर रखने से कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती। इतना ही नहीं, हमारे स्किन हेल्दी और बेदाग बनी रहती है। इसके अलावा आप अनीमिया और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हो तो किशमिश को भिगो कर खाने से आपको इन बीमारियों से छुटकारा पाने में बेहद मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये शरीर की कमजोरियों को दूर करता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें थोड़े से काम करने पर ही थकान महसूस होने लगती है, हाथ पैर में दर्द रहता है, चक्कर आने लगता है। ये सारी समस्या खून की कमी की वजह से होती है। शरीर में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं जो शरीर को चाहिए। अगर आप शरीर में सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप किशमिश और चना खाएं। रात को 1 मुट्ठी चना और 20 से 25 दाने किशमिश के पानी में भिगो कर रखें और सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप हल्का गुनगुना ही हल्का करके 1 गिलास पानी पी लीजिए। पानी पीने के 10 मिनट बाद किशमिश और भीगे चने को चबा चबा कर खाएं और ऊपर से बचा हुआ पानी उसको पी लीजिए। ऐसा अगर आपने 1 महीने तक कर लिया तो आपकी कमजोरी का नामो निशान मिट जाएगा। आप खुद में बलशाली फील करेंगे। लड़के लड़के दोनों ही इसका सेवन कर सकते हैं। अगला दोस्तों जो सुपर फूड है उसका नाम है खड़ी मूंग। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन डी की भरपूर मात्रा से संपन्न खड़ी मूंग को भिगो कर खाने से पेट में बनी कब्ज और गैस समस्या दूर होती है। पोटेशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खड़े मूंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। खड़ी मूंग को भिगो कर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। आप चाहें तो किशमिश, चना और मूंग तीनों को रात को भिगोइए और सुबह खा लीजिए। अगला जो सुपर फूड है उसका नाम है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि मेथी दाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि की तरह काम करता है। मेथी दाने को आप मल्टी विटामिन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। मेथी की दानों में भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है जो हमारे पेट में मौजूद कब्ज को दूर कर आंतों को साफ करने का काम करता है। इतना ही नहीं, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो मेथी दाना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, मेथी के दाने भिगोकर खाने से महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द भी कम हो जाता है, शरीर में बढ़ी चर्बी को कम करता है। अगर आप मेथी दाने के फायदे पूरी तरह डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं मेथी दाने के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप लगभग 1 छोटी चम्मच मेथी दाने को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद मेथी सहित उस पानी को गर्म कर लीजिए। हल्का गर्म होने के बाद छान लीजिए, मेथी को चबा चबा कर खाएं और ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लीजिए।
दोस्तों आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपका पॉजिटिव रहना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। कम से कम एक घंटा आपको एक्सरसाइज के लिए समय निकालना होगा। वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जो मन में आता है वो कीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच, ताकि वो भी इस वीडियो का स्वास्थ्य लाभ पूरी तरीके से ले सके। बने रहिए हमारे इस चैनल हेल्थ सॉल्यूशन हिंदी के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।